नमस्कार, मैं हूं शुभम और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल नॉलेज भंडार में। आज हम सीखेंगे एक्सेल में रो को हाइड कैसे किया जाता है और अनहाइड कैसे किया जाता है। वैसे तो आपको जानकारी होगी ही कि हाइड और अनहाइड कैसे किया जाता है, बट आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा। वो तीन अलग अलग जो वेज है, तीन अलग अलग जो तरीके हैं, उससे हाइड और अनहाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक डमी डेटा लिया है, एक सैम्पल तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि उसके लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि रो क्या होता है और रो का यूज़ क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए, मैंने यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट किया, ये हो गया कॉलम ए कॉलम, ये हो गया बी कॉलम। उसी तरीके से ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। तो इस तरीके से ये रो हो गया और ये हो गया कॉलम। तो रो, ये सब रो है, ठीक है, और ये सब कॉलम है। तो हम पहले देखेंगे कि रो को, पहला तरीका रो को हाइड कैसे किया जाता है। पहले रो को सिलेक्ट करना होगा, इस नंबर पर जाकर उस पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक मेनू ओपन हो जाएगा, उसमें सेकेंड लास्ट ऑप्शन है हाइड, उसके नीचे है अनहाइड। तो हम पहले हाइड करेंगे। तो हमने जो नंबर, जो रो नंबर 8 जो सिलेक्ट किया था, वो हाइड हो चुका है। यहाँ पर हम दे सकते हैं 1, 2, 3, 4 हाइड हो चुका है और यहाँ पर अभी आ गया है 5। ठीक है, इस तरह से हम इसको हाइड करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसको अनहाइड कैसे किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको गैप दिखेगा 7 और 9 के बीच, ये छोटा सा जो गैप है, यहाँ पर देखिए कर्सर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर अनहाइड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक ही इसमें दो तरीके हैं। या तो हम इसे डबल क्लिक करें, या तो हम इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड करें। मैं पहले दिखाता हूँ कि डबल क्लिक कर हम कैसे इसको अनहाइड कर सकते हैं। यहाँ पर एरो चेंज हो गया, यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए, ये देखिए 7, 8 और 9, ये तीनों रो अपनी आ गई है। ठीक है, तो मैं आपको दूसरी तरीके से दिखाता हूँ, उसके पहले हमें इसको हाइड करना होगा। ठीक है, हमने इसको हाइड कर दिया है फिर से। अभी एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, पहले इस दो दो रो को हमें सिलेक्ट करना होगा, इस पर राइट क्लिक करके हमें यहाँ पर अनहाइड सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो रो हाइड की थी हमने, वो अनहाइड हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका जैसे हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरीके की तरफ। उसके लिए पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, एच के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पर यू के नीचे अंडरलाइन है। तो हम अभी अगर कीबोर्ड पर एच प्रेस करेंगे तो हाइड ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, और यू प्रेस करेंगे तो अनहाइड ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए, मैं कर्सर यहाँ पर रखता हूँ, कीबोर्ड पर मैं प्रेस करता हूँ एच, देखिए हमने जो रो सिलेक्ट की थी वो हाइड हो चुकी है। यहाँ पर अब मैं समझ आ जाएगा, ये है 8 नंबर, ये है 10 नंबर, तो हमने 9 नंबर की जो रो थी वो हमारी हाइड हो चुकी है। अब हमें इसे अनहाइड करना है, तो कैसे? पहले हम ये दो रो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर यू के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें यू इस बटन को कीबोर्ड पर प्रेस करना होगा। देखिए, मैं अभी कर्सर यहाँ पर रख देता हूँ और कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ यू। यू ही यू प्रेस करने पर ही तुरंत अपने 9 नंबर की जो रो थी वो हो चुके हैं अनहाइड। ये था दूसरा तरीका। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जो कि है कीबोर्ड शॉर्टकट। ध्यान रखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करने से हमारे काफ़ी सारे काम आसान हो जाते हैं और हम फटाफट काम कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लूँगा। बहुत से कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होते हैं, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होते हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, हर एक विंडो में होते हैं, हर एक टूल में होते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे हाइड के लिए कि
कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है। मैंने अभी यहाँ पर रो सिलेक्ट कर ली है, तो अभी कीबोर्ड शॉर्टकट से अगर हमें हाइड करना होगा, तो उसके पहले मैं देखिए यहाँ पर मैं कर्सर रख देता हूँ, माउस का कर्सर यहाँ पर रख देता हूँ। अगर हमें कीबोर्ड शॉर्टकट से हाइड करना होगा तो हम कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे कंट्रोल और नंबर 9। देखिए इस तरह से ये हाइड हो चुका है, ठीक है। अभी इसे अगर अनहाइड करना होगा तो पहले इस दो रो को सिलेक्ट करेंगे, मैं कर्सर यहाँ पर लेकर आया हूँ। अभी हाइड करने के लिए हमने तो कीबोर्ड पर प्रेस किया था कंट्रोल और नंबर 9। अभी अनहाइड करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और नंबर 9। देखिए इस तरीके से हम इसको हाइड ऑन अनहाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा और एक कीबोर्ड शॉर्टकट दिखा देता हूँ कि अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जाकर सिलेक्ट कर देंगे एच को, या फिर हमें रोल नंबर 15 सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर जाकर इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बजाय कीबोर्ड शॉर्टकट है कि आप शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका रो सिलेक्ट हो गया है। अभी आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, देखिए मैंने कर्सर यहाँ पर रख दिया है। मैं कंट्रोल और स्पेस बार यूज़ करूँगा तो इससे हमारा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। तो ये है दो छोटे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपको कभी भी यूज़ हो सकते हैं और काफ़ी आसान है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, शिफ्ट और स्पेस बार यूज़ करने से हमारा, देखिए हमारा रो सिलेक्ट हो गया है शिफ्ट और स्पेस बार से, और अगर हम कंट्रोल और स्पेस बार यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियोस की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस सब्सक्राइब पर टच करके, और इस बेल आइकॉन को टच करके यहाँ पर ऑल सिलेक्ट कीजिए, तो आपको अगले वीडियोस की जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। धन्यवाद।